उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की चेहरा जल्द बदल सकता है, सूरत बदल सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रीतम सिंह की बैठक के बाद जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। उत्तराखंड में बदलेगा कांग्रेस कार्यकारिणी का चेहरा। जल्द हो सकता है नई टीम का ऐलान। सोनिया गांधी से प्रीतम सिंह की मुलाकात। बनेगी नई टीम पर बात। कांग्रेस को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीति के लिहाज से भी और संगठन के लिहाज से भी। अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पिछले 3 साल से अधर में अटका कार्यकारिणी के गठन का रास्ता इस मुलाकात से निकल सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। नई कार्यकारिणी, नई टीम प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व वाली, वो आपके सामने आ जाएगी। प्रीतम सिंह को 2017 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। जिला स्तर पर भी कार्यकारिणी और कमेटियों के गठन का काम रुका हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रीतम सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस इस दिशा में कदम उठा सकती है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के संगठन को ग्रास रूट पर कैसे मजबूत किया जाए, बूथ लेवल तक जो पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो पहुंच करके कार्यकर्ताओं से सामंजस्य करके पार्टी को खड़ा करने का काम करें। अब गौरतलब है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पंचायत चुनाव से पहले नई कार्यकारिणी का गठन कर लेना चाहती है ताकि सभी नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके, और न सिर्फ जिम्मेदारी तय की जा सके बल्कि कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा सके कि पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।